नमस्कार दोस्तों, वन इंडिया, मैं प्रशांत आप सभी का स्वागत करता हूं। जापान में खेले गए टोक्यो ओलंपिक में भारतीय फैंस के लिए खुशी की लहर उस वक्त दौड़ गई जब भाला फेंक में एथलीट नीरज चोपड़ा ने 87.58 मीटर का थ्रो कर टोक्यो 2020 का पहला गोल्ड मेडल देश को दिला दिया। इस पदक के साथ ही भारत का लगभग 100 सालों से ज्यादा का ओलंपिक में पदक जीतने का इंतजार खत्म हो गया। नीरज चोपड़ा ओलंपिक में भारत के लिए एथलेटिक्स का पदक हासिल करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। इसी के साथ ही नीरज चोपड़ा ने फ्लाइंग सिख के नाम से मशहूर दिग्वंत मिल्खा सिंह के सपने को पूरा कर दिया। उनका निधन पिछले महीने कोरोना वायरस के संक्रमण की वजह से हो गया था। जब मिल्खा सिंह के जीवन पर आधारित फिल्म का रिलीज हुआ था उस वक्त इस खिलाड़ी ने अपने सपने के बारे में बताया था। उन्होंने कहा था उनका सपना है कि ओलंपिक में ट्रैक एंड फील्ड में जो काम वो नहीं कर सके कोई भारतीय खिलाड़ी उनके लिए पूरा कर सके। जिस दिन भारत के लिए कोई खिलाड़ी ओलंपिक में एथलेटिक्स में पदक जीतेगा मुझे लगेगा मैं भी उसी के साथ मेडल ले रहा हूँगा और मेरा सपना पूरा हो जाएगा। आपको बता दें नीरज चोपड़ा ने ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करने के बाद जो बयान दिया वो भी काफ़ी हैरान कर देने वाला था। नीरज चोपड़ा ने कहा मुझे पता था मैं अपना बेस्ट दूंगा, आज कुछ अलग करना था लेकिन गोल्ड मेडल के बारे में नहीं सोचा था। ये पूछने पर कि क्या स्वर्ण पदक जीतकर वो हैरान थे जिसमें जर्मनी के महान एथलीट जोनस वेबर भी शामिल थे। उन्होंने कहा क्वालिफिकेशन राउंड में मैंने काफ़ी अच्छा थ्रो फेंका था इसलिए मैं जानता था मैं फाइनल में बेहतर कर सकता हूँ। नीरज ने आगे कहा कि जब राष्ट्रगान की धुन बजी और जब तिरंगा लहराया मेरे शरीर में करंट दौड़ गया, मेरे आंखों में आंसू आ गए थे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, क्योंकि मुझे लगता है कि सबसे जो जरूरी चीज थी इस साल वो कंपटीशन खेलना था इंटरनेशनल, और मैंने फेडरेशन में ही बात की और सभी से, और टॉप से साई से फेडरेशन से सभी जगह से सभी ने अपना अपना सपोर्ट किया। और वो जो मुझे बीच में दो तीन इंटरनेशनल कंपटीशन मिले तो वो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी थे, क्योंकि यही सभी थे जिनके बीच में वहाँ पे कंपटीशन खेला। तो ऐसा ओलंपिक था लेकिन ऐसा नहीं लग रहा था कि मैं कुछ नए गेम्स में आ रहा हूँ या फिर बहुत बड़े गेम्स में। एक ऐसा कोई प्रेशर नहीं था इस टाइप का कि मैं बड़े थ्रोअर्स के बीच में खेल रहा हूँ। ऐसा लग रहा था कि इनके साथ मैं पहले खेल रहा हूँ और मैं अपनी परफॉर्मेंस पे काफ़ी फोकस कर पा रहा था। तो शायद वही कारण है कि क्योंकि इंजरी के बाद काफ़ी अप डाउन आए, तो आप सभी ने हेल्प की और ये सभी आप सभी का मेरी मेहनत तो है ही, उसके साथ साथ आप सभी की मेहनत है और सारी फैसिलिटी के लिए थैंक यू सो मच। नीरज चोपड़ा ने ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जीतने के बाद ये भी बयान दिया कि विश्वास नहीं हो रहा है कि पहली बार भारत ने एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक जीता है और मैं ये करने वाला पहला खिलाड़ी हूँ। इसी के साथ ही नीरज चोपड़ा ने अपना गोल्ड मेडल एथलीट मिल्खा सिंह को समर्पित किया। उन्होंने कहा मैं मेडल के साथ उनसे मिलना चाहता था। आपको बता दें नीरज चोपड़ा ने अपने दूसरे ही थ्रो में 87.58 मीटर का थ्रो फेंका था। इसके बाद कोई और जेवलिन थ्रोवर उनके आसपास भी नहीं पहुंच सका और करीबन 13 साल के बाद भारत को ओलंपिक में व्यक्तिगत स्पर्धा में गोल्ड मेडल मिला। फिलहाल के लिए इस वीडियो में तक तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें वन इंडिया के साथ।